नमस्कार, स्वागत है आपका फर्स्ट समाचार में। एक बार फिर शिवपुरी की बेटियां लगातार मध्य प्रदेश सहित भारत में अपना नाम रोशन कर रही हैं। इसी क्रम में हमारे साथ आज शिवपुरी की महल कॉलोनी निवासी निधि जैन मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में MPPSC की परीक्षा पास कर आबकारी उप निरीक्षक के पद पर चयन किया है। आइए इनसे खास चर्चा करते हैं कि कैसा सफर इनका रहा। सबसे पहले तो फर्स्ट समाचार में आपका स्वागत है। थैंक यू। पूरा आपका सफर 10th 12th और ग्रेजुएशन का कहाँ से कहाँ तक का रहा? मेरा 10th 12th मैंने केंद्रीय विद्यालय शिवपुरी से किया है और मेरी सारी पढ़ाई शिवपुरी में ही हुई है। आगे मैंने कॉलेज में BSc IT किया रेडियंट कॉलेज से। MPPSC की परीक्षा आपने तैयारी कब से शुरू की और आपको कब सफलता मिली इसमें? मैंने MPPSC की परीक्षा की तैयारी 2012 से शिवपुरी से ही स्टार्ट कर दी थी। फिर उसके बाद मैं इंदौर चली गई, वहाँ से मैंने आगे की प्रिपरेशन करी और 2013 मेरा पहला अटैम्प्ट था, उसी में मेरा सिलेक्शन हो गया था। 2013 में आपका पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था, तो कौन से पद पर आपको चयन किया गया और कहां तक आपने उस पद को रखा? क्योंकि स्थिति पर देकर आपने फिर दोबारा से MPPSC की परीक्षा देकर आबकारी उप निरीक्षक के पद पर चयन किया है। जी, मैंने 2013 में डिप्टी जेलर ज्वाइन किया था। 2017 में एक साल जॉब किया, उसके बाद मैंने जॉब ड्रॉप कर दिया, रिज़ाइन कर दिया था मैंने। फिर उसके बाद दोबारा प्रिपरेशन करी और 2019 का मैंने ये दिया है एग्ज़ाम। आखिर क्या कारण रहे कि आपको डिप्टी जेलर के पद से आपको इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद दोबारा से आपने MPPS, मतलब इतना बड़ा रिस्क लिया आपने कि आपको पता भी नहीं था कि फिर से सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या आपको फिर फुल कॉन्फिडेंस था अपने आप पर? मुझे पूरा विश्वास था कि मैं कर सकती हूँ दोबारा, और डिप्टी जेलर के पद पर रहकर पढ़ाई नहीं हो पा रही थी क्योंकि 24/7 जॉब था, तो टाइम नहीं मिलता था पढ़ने के लिए। और PSC अपने आप में एक चैलेंजिंग प्रिपरेशन है, उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, तो जॉब के साथ टाइम नहीं था, इसलिए मैंने फिर से सोचा। और हाँ, मुझे पूरा विश्वास था, मेरे परिवार को मुझ पर पूरा विश्वास था, इसलिए मैंने ये बड़ा स्टेप लिया। उसके बाद आपने कब उस जॉब को छोड़ा, उसके बाद में कब से आपने MPPSC की आबकारी उप निरीक्षक जो आपने पद पाया उस तक की आपने तैयारी की और कहाँ से की? मैंने 2018 में पद छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने 19 के लिए फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करी और मैंने इंदौर से प्रिपरेशन करा था। तो अभी निधि जैन का सपना पूरा हुआ है कि आगे भी कुछ एम है कि आबकारी उप निरीक्षक पे आपको संतुष्टि मिली? जैसे कि आपने पहले भी डिप्टी डीलर के पद से आपने इस्तीफा दिया है, तो क्या माने कि अब एम पूरा हो गया है कि आगे? मेरा एम तो डिप्टी कलेक्टर बनने का है, जो अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, जो अभी मेरे पास पद है वो अच्छा है, अभी मैं इसको करूँगी जारी, बाकी प्रयास में करते रहूँगी आगे। तो पहले भी आपने नौकरी के साथ साथ तैयारी नहीं कर पाई थी, तो अब भी आपको नौकरी करना पड़ेगी, तो आबकारी उप निरीक्षक के पद पर रहकर आप फिर से तैयारी कर सकती हैं कि डिप्टी कलर के पद पर आप चयन हो सके? हाँ, डिप्टी जेलर के पद पे 24/7 जॉब करना रहता था, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, लेकिन हाँ, इस पद पे थोड़ा बहुत टाइम मुझे मिल जाएगा पढ़ने के लिए, तो मैं पद के साथ प्रिपरेशन कर लूँगी। तो आप और भी तमाम छात्र और छात्राएं तैयारी कर रही हैं, तो आपने एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी हासिल की है और आगे भी आपका एम है कि मुझे MPPSC से डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन होना है, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे जो मतलब नौकरी न मिलने के पश्चात भी वो पहले से ही निराश हो जाते हैं? मैं बस सभी से यही बोलूँगी कि बस प्रयास करते रहिए, आप अगर आप हार्डवर्क करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, तो PSC आपको पोस्ट ज़रूर देगा। बस इसमें ज़रूरत होती है बहुत मेहनत करने की, तो आप बस वही करिए और आई होप ऑल द बेस्ट सबको, ताकि सबका सिलेक्शन हो, सबके साथ अच्छा हो। अच्छा, फैमिली के बारे में बताइए, फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे मदर, फादर एंड मेरा एक यंगर ब्रदर है, वो भी जॉब कर रहा है। तो ये थी शिवपुरी की महल कॉलोनी की निवासी बेटी निधि जैन, जिन्होंने हाल ही में 2019 के नोटिफिकेशन MPPSC की परीक्षा में आबकारी उप निरीक्षक के पद पर चयन किया है।